देखें, वो एक आ गई है ना मम्मी। कहाँ से आई हो? यहाँ तुम आ जाओ। तो यहाँ बन गए हैं मेरे दाल और चावल खाने के लिए। कौन आया है? अयान किशन से आ गए। बहुत टाइम लगा दिया, 9:15 बज गए। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं, क्या खैरियत से हैं। तो मॉर्निंग हो चुकी है बहुत देर पहले, तो अब तक काफ़ी टाइम हो चुका है। जोहर की नमाज़ पढ़कर आई हूँ, तो बस जो सारा दिन की रूटीन होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। अभी पता नहीं है सारा दिन की क्या रूटीन होगी। तो वही हो चुकी है मॉर्निंग और काफ़ी देर से हो चुकी है। और रात में कल मैंने आपको, मैं थोड़ा सा ब्लॉग यहाँ पर बनाया था और मैंने बताया था मैं जा रही हूँ मम्मी के घर पर, और उसके बाद से मैंने कोई ब्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर बैठे बहन भाइयों में बातें करने में इतने, वहाँ पर सब लोग रिश्तेदार भी आ गए, तो बस वहाँ पर बैठने में टाइम लगा और बातें करने में टाइम पता ही नहीं लगा कि मुझे जो है ना याद ही नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग बनाना है। तो बस फिलहाल अभी नाश्ता वाश्ता करके फारिग हुई हूँ, घर की सफाइयाँ वगैरह वो सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। और आज सबसे पहले मैं ये वाली सोच रही हूँ, पहले फॉयल्स जो मैंने कल स्टिकिंग डाय वगैरह किए थे तो उसकी फॉयल्स हैं ये, इनको समेट के रख देती हूँ। ये मैंने सारी वॉश करके और इधर रख दी थी। और आज पता नहीं क्या हुआ, जब से मैं सोकर उठी हूँ ना, मेरा ये ऊपर वाला होंठ जो है ना, ये वाला सूज रहा है। क्यों सूज रहा था पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा था, शायद मुझे एलर्जी हो रही थी, इस वजह से भी हो रहा होगा। फिर मैंने एलर्जी की टैबलेट खाई। तो ये सारी फॉइल जो है ना, मैंने स्टिकिंग कल की थी तो उसमें यूज़ की थी। अब ये वाली फॉइल्स ऐसी होती हैं, एलुमिनियम की फॉइल्स हैं ये, तो दोबारा से यूज़ हो जाएंगी। अब मुझे दोबारा जब करनी होगी, वैसे भी ये न्यू हैं, सिर्फ कल ही यूज़ किए हैं। तो बहुत खूबसूरत स्टिकिंग की थी कल मैंने, बहुत प्यारी, एक क्लाइंट की थी, डाई किया था, फुल डाई किया था और हाइलाइट्स की थी, एश ग्रीन कलर की थी, बहुत अच्छी लगी। लेकिन उसकी भी वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। एन आ गए ट्यूशन से? आधे होने वाले हैं, आधे रह गए हैं। इसके इतने ज़्यादा टेस्ट होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मतलब बच्चों के 8 पेपर होते हैं, 7 पेपर होते हैं, इसके पूरे 10-15 पेपर होते हैं यार एक्स्ट्रा। तो बस ये ट्यूशन से अभी आकर बैठा है और बाहर के कुछ हालात देखते हैं क्या है। मौसम तो बहुत प्यारा हो रहा है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। आया मुझे एक बॉटल पानी की देना ज़रा, मैं पौधों में डालूँगी, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, ड्राई हो रहे हैं सारे के सारे पौधे। और कितना ज़्यादा सन्नाटा होता है। मगर की अजाने होने वाली हैं, लेकिन अभी नहीं, टाइम है अभी। और लाओ ये वाली बेल, नहीं पकड़ी इसने, तो ये वाली निकाल देते हैं इसमें से। ये बस टूट गई, इन दोनों को जड़ों ने पकड़ लिया है, तो ये वाली सही हो जाएंगी, ग्रो हो जाएगी। इसमें रखा, इसमें लगी हुई है पूरा वाक्य, हम निशानी लगी हुई है पड़। जनरेटर की आवाज़। क्या चाहिए? क्या चाहिए? पानी चाहिए? क्या चाहिए? मुँह से बोलो जल्दी, क्या चाहिए? तो मैं आ गई थी किचन में और मुझे किचन में बनाना था कीमा, मटर, आलू। तो यहाँ सारी उसी चीज़ की तैयारी है, टमाटर, प्याज, लहसुन, आलू, हरी मिर्चें, सारी चीज़ें मैंने कट करके रख दी थी बहुत अच्छे से। और यहाँ मैं पैन में डाल रही थी ऑयल, ऑयल करने के बाद ऑयल को गर्म किया। और बहुत दिनों बाद मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ऐसी कुछ वो रोज़ाना की जो रूटीन ऐसी होती है, घर में होती हूँ तो फिर इतनी ज़्यादा वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो बोल कर ही वीडियो बन रही होती है। और अभी जनरेटर की आवाज़ इतनी ज़्यादा शदीद थी कि मुझे वॉइस ओवर करना ही पड़ा। यहाँ पर मैंने ऑयल में प्याज डालकर रख दी थी और इसको थोड़ा सा पिंक कर लिया था प्याज को। प्याज मैंने इसमें 2 से 3 ली थी और आधा किलो के करीब कीमा था। तो बस मैं यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा पिंक होने का इंतज़ार कर रही थी। इतनी देर में मैंने अयान से कहा मेरे साथ हेल्प करवाओ, और थोड़े से मटर हैं, इसको मटर को छिलवा लो। तो अयान को मटर छिलने में बहुत मज़ा आता है, बल्कि मेरे साथ हेल्प करवाता ही रहता है मुस्तकिल, जब भी घर में होता है। ये अभी ट्यूशन से आए और यहाँ पर बस वहाँ पर कमरे में दिल नहीं लग रहा था तो यहाँ पर आ गए मेरे साथ में मटर छिलवाने के लिए। वैसे तो इमरान भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, लेकिन इमरान आजकल बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो इमरान आजकल नहीं होते घर में।
तो बस अजान ही मेरे साथ में होता है, और यहाँ पर हम दोनों बातें भी करते जा रहे थे, वो अपनी ट्यूशन की बातें बताता जा रहा था और हम दोनों मटर भी छिलवाते जा रहे थे। तो ये कि कोई हेल्प कर देता ना तो आसान थोड़ा सा हो जाता है काम। तो और ये मसाला डाला था, पिसी मिर्चे, हल्दी, नमक, पिसा हुआ धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं डालती नहीं हूँ, बहुत कम कम चीज़ें ही डालती हूँ मैं इस कीमे में, और गरम मसाला भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब वो जो होती है ना दालचीनी, लौंगे, वो बहुत ज़्यादा नहीं मुझे पसंद, मैं कम ही यूज़ करती हूँ। बिल्कुल ज़ीरा हाँ ज़रूरी होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था। आज मेरे पास था लहसुन कुटा हुआ और पिसा हुआ नहीं था, तो वो थोड़ा सा मोटा मोटा नज़र आ रहा है और मुझसे कूट भी नहीं रहा था, क्योंकि वो जो मूसली और वो होती है वो मेरे पास नहीं है। तो बस मैंने उसको एक शॉपर में करके इसी तरह से कूट लिया था। पिसा हुआ लहसुन आज ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पर कीमा डालकर अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया था लहसुन, और इस तरह इतना फ्राई किया था कि कीमा थोड़ा सा वाइट वाइट सा हो गया था और इसकी खून वगैरह की हीक जो होती है ना वो सारी निकल गई थी। फिर इसमें मैंने डाल दिया था सारा मसाला। मसाला डालने के बाद उसको मैंने भुना 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 भुना, इतना भुना कि ऑयल ऊपर आ गया और सारे कच्चे मसाले की हीक जो होती है ना वो भी साथ साथ ख़त्म हो गई थी, इतना भुना था मैंने। फिर उसमें मैंने डाल दिए थे 4 से 5 कट करके टमाटर, और कोई भी सालन हो या सब्ज़ी हो, मुझे टमाटर ज़्यादा डले हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। उसी से मैं कहती हूँ एक टेस्ट आता है कीमे में, गोश्त में या किसी भी सब्ज़ी में। इतनी जल्दी कैसे आ गए आप? हैं? बहुत दिनों बाद आए हैं। कहाँ थे इतने दिन से? मसरूफ। इधर तो देखे हैं, कितने दिन से कहाँ मसरूफ थे? तो इतनी देर में आते हैं रोज़ाना, आज इतनी जल्दी आ गए, तो बहुत दिन से ये मेरे ब्लॉग में ही नहीं आए, ऐसा लग रहा होगा कहीं गए हुए हैं। आलू कीमा बना रही हूँ, सही है? आलू मटर कीमा। अब गर्मियों की जो है ना सारी चीज़ें, ये खाना बनेगा आलू मटर, गोभी मटर, नहीं गोभी गोश्त, और मेरा आज कीमा बनाने का बहुत दिल चाह रहा था जो मैंने बनाया है। तो इतनी देर बाद जनरेटर बंद हुआ है, आवाज़ थोड़ी सी सही हुई है, वरना इतनी देर हो गई कान में किसी चीज़ की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। इमरान हम कितनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग खामोशी से बैठे हुए, कोई बात नहीं कर रहे क्योंकि जनरेटर की आवाज़ इतनी तेज़ लगती है, और अभी जनरेटर बंद करने के लिए गए इमरान। वो देखे वो देखे वो देखे अभी बिल्कुल लाइट आई है 3 घंटे में हमारी, नहीं 3 घंटे में नहीं 2 घंटे में। यार आजकल बहुत ज़्यादा नहीं लाइट जानी शुरू हो गई है, और दोनों फेज भी एक साथ जा रहे हैं। हो गया ट्यूशन का सारा काम? वो ट्यूशन का नहीं, इसका स्कूल का। तो आपको अभी दोबारा फिर जाना है क्या? जाएंगे अभी? वो देखें वो एक आ गई है ना मम्मी, हुई 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 कहाँ से आई? अच्छा देखो क्या हो रहा है बालों का। आयत आओ बाल बनवाओ, बाल बनवाओ। चलो वो कौन आ रहा है देखो सामने आ रही हो, इधर आ रही हो, इधर आ रही हो तुम। मुझे लग रहा है आयत को बुखार हो रहा नहीं। देखें तो सही, मुझे लग रहा है ये इतनी देर से लेटी हुई थी, और बाल भी मैंने सुबह कोनी बनाई थी। कितनी प्यारी हवा आई है, यहाँ से आई है पीछे से आई है, एग्जॉस्ट क्या आई है? कीमा भुन गया मेरा। ओहो रोज यही करती हूँ मैं, बातें करना बैठ जाती हूँ। सब्सक्राइबर तो इतने क्या है सब्सक्राइबर? सब्सक्राइबर इतने तो बात तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा इतनी देर रोज़ाना जो है ना मैं इस तरह करती हूँ, टीवी को खाने को रख के और बैठ जाती हूँ, कभी टीवी देखने और कभी बातें करने। जल्दी जल्दी मैं इसमें पानी डालती हूँ ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए। तो बातों में वहाँ पर बैठ गई ड्राइंग रूम में, इमरान आ गए थे तो उनसे बात करने लगी थी, तो सारा कीमा भून गया, खैर जला नहीं था। और इमरान को इतनी शर्म आती है व्लॉग में आते हुए कैमरे के सामने बात करते हुए, खामोश बैठ जाते हैं। वैसे माशाल्लाह बोलते हैं, हंसी मजाक सब चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन कैमरे के सामने आते के साथ ही जो है ना बस वो खामोश हो जाते हैं, और मैं ज़बरदस्ती उनसे बातें कर रही होती हूँ। कहते मेरी वीडियो नहीं बनाओ, तो मैं कहती हूँ भाई क्या हुआ आप बात करें, सब लोग आपका पूछ रहे होते हैं कि आप कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, तो इस वजह से
तो बस यहाँ पर मैंने ये कीमे में आलू डाल दिए थे, इसको अच्छे से भूना, और इसमें थोड़ा सा 1.5 गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया था क्योंकि आलू गलाना था मुझे। आलू को गलाने के बाद जब मैंने इसमें जब अच्छे से भून लिया था फिर उसको, और फिर उसके बाद शोरबा मैंने अलग से डाला था और इसको कैप लगा कर रख दिया था। और बहुत सारे लोग इसमें जो है ना ये वाले कीमे में शोरबा डालते हैं, और इमरान को भी शोरबे आया था, इधर आए, शोरबे वाला ही पसंद है। और मुझे ये दिल चाहता है कि आलू कीमा हो, मतलब भुना हुआ हो। ओ लाइट चली गई, तो लाइट चली गई थी और मैं बात कर रही थी, तो मैं ये बता रही थी कि बहुत सारे लोगों को ये कीमा जो है ना शोरबे वाला पसंद है, तो इमरान को भी बहुत शोरबे वाला पसंद है, थोड़ा सा इसमें शोरबा हो तो जब ही अच्छा लगता है आलू कीमा, और लेकिन मुझे भुना हुआ ही अच्छा लगता है, लेकिन मैंने उनकी वजह से शोरबा में रखती हूँ। और ख़ासकर क्या शोरबा अच्छा होता है, इसको भी यही बताया है आन को भी। चलो आयत आओ, बालों को कंघा करवाओ, जल्दी ऑयल डलवाओ। आयत के मैंने परसों ऑयल डाला था, और अब सर्दी के सीज़न में यही होगा, ये बालों में इतना ड्राइनेस हो जाएगी इसके कि हशर कर लेगी, तो अभी इसके तेल डाल के चुटिया बनानी। और एलर्जी की वजह से ये देख रहे हैं आप लोग कितना ड्राई हो रहा है, वो कितना सूज रहा है मेरा होंठ, मैंने कुछ भी नहीं लगाया वो फिर भी जो है ना इतनी सूझा हुआ है। सुबह उठी थी तो मैं बहुत ज़्यादा सूझा हुआ था ये मेरा लिप, अभी तो फिर भी थोड़ा सा बेहतर हो गया, मैंने एलर्जी की टैबलेट खाई है, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा बॉडी में एलर्जी हो गई। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने वेट कम करने के लिए चिया सीड्स खा रही थी, चिया सीड्स से 3 महीने हो गए उसको छोड़े हुए, लेकिन एलर्जी मेरी ख़त्म नहीं हो रही, पता नहीं क्यों बॉडी में इतनी रेडनेस हो रही है, जैसे छोटे छोटे से दाने दाने टाइप्स के हो जाते हैं। और जबकि बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि उन लोग सबको ही एलर्जी हो रही है, लेकिन पता नहीं मेरी तो हर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। रिजिक्स टैबलेट खा के बस मैं रोज़ाना एक दिन गुजरता है, दूसरे दिन रिजिक्स टैबलेट खाती हूँ फिर सही रहती हूँ, फिर दो एक दिन का बीच का गैप करती हूँ उसके बाद रिजिक्स खाती हूँ तो सही हो जाती है। पता नहीं क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा, इसके लिए हर मसला हल मतलब हर जतन कर लिया मैंने, दवाई भी ले ली डॉक्टर से फिर भी सही नहीं हो रही। तो बहरहाल शुक्र है अल्लाह का लाइट आ चुकी है इस वक्त, इतने बाल उलझा लिए हैं ना, इतने उलझा लिए ना इसने बाल के मैं बता नहीं सकती। तो कीमा हो गया है मेरा रेडी, मैंने बिल्कुल हल्की आंच पर रख दिया है, और इसमें थोड़ा सा शोरबा भी मैंने डाला है, आलू तो गल चुके हैं, थोड़ी सी देर बस ये पकेगा, फिर ऊपर से इसमें डालूंगी मैं हरा धनिया, और ये रेडी है। तो ईशा की अजान हो रही है, वजू कर लेती हूँ क्योंकि नमाज पढ़ लेती हूँ, और ये ब्लॉग यहीं एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ में। उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।